में थोड़ा बहुत कुछ देखा था, बट कंप्लीट नहीं, यानी कंप्लीट इसके बारे में नहीं देखा था। और ये क्यों यूज होता है, क्या है करके, सो वी विल इंक्लूड दिस इन अवर करंट क्लास। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आल्सो हम लोगों ने देखा है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बट पूरा कंप्लीट उसके फीचर्स, उसके टाइप नहीं देखे थे। सो वी विल इंक्लूड दिस इन अवर टुडेज क्लास। एक्सेप्शन इन जावा एंड स्ट्रिंग, ऑल आर जो टॉपिक्स है, बहुत अच्छे टॉपिक्स है जब कोडिंग करना रहता है हमें जावा में। सो ऑल आर इन यूज, हमें किसी को भी नहीं छोड़ सकते, कंस्ट्रक्टर को नहीं छोड़ सकते हम लोग, स्टैटिक को नहीं छोड़ सकते। तो ईच एंड एवरी वन इज इन मोर यूज व्हाइल वी आर कोडिंग। जब हम लोग कोड करते हैं तो बहुत ज्यादा यूज होता है। सो स्टार्टिंग विद स्टैटिक, स्टैटिक व्हाट इज स्टैटिक, द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टैटिक इज क्या, स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक कीवर्ड है जावा में, एंड इट ये नहीं जाएगा क्या, फाइन है रहने दे। इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्यों, बिकॉज जब भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन पहले ही बार में हो जाता है। जेवीएम जो करता है उसको पहले ही अटेम्प्ट में, जैसे वो चेक करता है कि हाँ स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो स्टैटिक कीवर्ड जो भी वेरिएबल मेथड ब्लॉक किसी में भी यूज हो उसको पहले ही मेमोरी एलोकेटेड करता है। और वंस इट एलोकेटेड मेमोरी इट विल नॉट चेंज। ओके, सो इट मेक अ मेमोरी मैनेजमेंट सो इजी फॉर इट। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड, वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स मेथड ब्लॉक नेस्टेड क्लासेस। अब नेस्टेड क्लासेस मीन्स क्लासेस के अंदर जब क्लासेस बनती है, ये क्लासेस के अंदर इनर क्लासेस लिखा है मैंने, देन इट कम्स टू अ नेस्टेड क्लास। द स्टैटिक कीवर्ड belongs to the class, then an instance of a class. जब हम लोग कोई भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो वो क्लास वेरिएबल बन जाता है, रिलेटेड टू क्लास होता है, नॉट टू द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक क्लास बनाया है और उसको मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करूंगा, दैट मेक द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ओके, तो जब भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली क्लास को डिफाइन करता है। ठीक है, अभी क्लास को कैसे डिफाइन करता है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे, मींस आगे प्रोसेस में। सो स्टैटिक कीवर्ड यूज फॉर, यानी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर वेरिएबल को, ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल। जब मैं वेरिएबल को बनाऊंगा, लगाऊंगा स्टैटिक कीवर्ड, देन इट विल कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल। व्हेन आई यूज स्टैटिक मेथड, व्हेन आई यूज स्टैटिक इन द मेथड डेफिनेशन, सो इट नोन एज क्लास मेथड। ओके, वी कैन यूज अ स्टैटिक ब्लॉक ऑल्सो। अब जब स्टैटिक ब्लॉक का ब्लॉक बोलते हैं तो वो कैसे यूज होता है और उसका यूज क्या है हमारे कोड में, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, देन नेस्टेड क्लास, तो ये चारों भी इसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सो स्टैटिक वेरिएबल, फर्स्ट वी आर गोइंग विद द स्टैटिक वेरिएबल। फील्ड दैट हैव अ स्टैटिक मॉडिफायर इन देयर डिक्लेरेशन आर कॉल्ड स्टैटिक फील्ड और अ क्लास वेरिएबल। ओके, जब भी मैं एक वेरिएबल के सामने में मैं अगर स्टैटिक वर्ड लगा देता हूँ, देन इट विल बिकम अ स्टैटिक फील्ड और अ क्लास वेरिएबल। ओके, जस्ट लाइक दिस, नीचे में एग्जांपल होगी। स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 10। ओके, सो दिस विल मेक अ स्टैटिक वेरिएबल। सो दिस विल मेक अ स्टैटिक वेरिएबल एंड इट्स रिलेटेड टू क्लास। मीन्स अब मैं क्लास में कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ। वंस आई यू मेक अ स्टैटिक वेरिएबल, वी कैन यूज इन एनी वेरिएबल वेर इन होल क्लास, कोई भी क्लास, यानी पूरी क्लास में मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ओके, फाइन।
so they are associated with a class rather than any object. So whenever we use a means in variable a, so we don't make an object, matlab main class ka object bana ke usko access karne ki zarurat nahi hai, main directly usko use kar sakta hu because it's a class variable. Okay, so they associate with a class rather than any object. Every instance of the class share a class variable which is in a one fixed location in a memory. जैसे हम लोग स्टैटिक बोलते हैं कोई भी वेरिएबल को, तो उसकी मेमोरी पहले ही एलोकेटेड हो जाती है और वो फिक्स रहती है. दैट्स व्हाई इट्स मेक अ मेमोरी इजी और मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं हम लोग व्हाइल यूजिंग अ स्टैटिक. एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ क्लास वेरिएबल, बट क्लास वेरिएबल कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ओके, हम लोग क्लास वेरिएबल इसका वेरिएबल ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, बट ये वैल्यूज क्या होगा फिर उसका दूसरा मेमोरी स्पेस वहां पे एलोकेटेड हो जाएगा. ओके, बट अ क्लास वेरिएबल कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो दिस आर द सिंटैक्स. ये सिंटैक्स है कि वेरिएबल को कॉल करने का डायरेक्ट क्लास नेम जो भी मैंने लिखा, जैसे क्लास नेम मैंने दिया है रेक्टेंगल एंड लेंथ इज द वेरिएबल नेम. सो जब मैं उसको कॉल करूंगा वेरिएबल को, तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूँ, क्लास नेम विल बी रेक्टेंगल डॉट लेंथ. ओके, सो इट विल कम्स लाइक दिस. This will come like this. Rectangle will be class name. Class name always start with the capital letter rectangle. Dot length is the variable name which is static in nature. Okay, so I will use length. So this in this way we can call the static variable. I think that's जब हम लोग इसका कोडिंग में चेक करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल जैसा ही स्टैटिक मेथड होता है. मेथड के ऊपर में तो हम लोग वर्किंग कर चुके हैं कि एडिशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के ऊपर में हम लोगों ने चेक किया है. मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने चेक किया है कि मेथड क्या होती है. तो सेम वे में मैं मेथड के आगे स्टैटिक लगा देता हूँ तो वो स्टैटिक मेथड बन जाता है. ओके, ए जावा प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट स्टैटिक मेथड एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल वी आर ऑलरेडी डिस्कस. ओके, सो स्टैटिक मेथड, मेन मेथड इज स्टैटिक. हमारी जो जावा की मेन मेथड है जहाँ से पूरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है वो भी स्टैटिक ही होता है. ओके, द मेन मेथड इज स्टैटिक. Since it must be accessible from an application to run, वो application के कोई भी part से run होने के लिए use कर सकता है. Because before static method, we don't need means for static method we don't need to initialize it. मतलब कि उसको object बना के initialization करने की जरूरत नहीं है, वो automatically बन जाता है JVM में. Okay, वो JVM में automatically बन जाता है before any initiation take place. Static method which have the static modifier in their declaration should be invoked with the class name. ये class name के साथ invoke कर सकते हैं. Invoke करना है ना, call करना है उसको directly. There is no need of making an object. जब हम लोग method को static बनाते हैं तो उसको object यानी class का object बना के call करने की जरूरत नहीं है. Direct class name dot method का name दे दिए तो भी वो call हो सकता है. ठीक है, without the need for creating an instance of a class. Instance of a class, instance of a class, हम लोग बहुत बार देखते हैं. तो instance of a class is nothing but a making an object, just like this. एक class था मेरा class rectangle, yeah, rect. Okay, ये class के अंदर मेरा जो भी variable है int static. Length equals to 10 and static in. Okay. I will use a method called static area void.
दिया एंड आई विल कैलकुलेट दिस length into breadth. Okay, and I will print SOP area A only. Okay, so this is the method. Now I call a main method. Main method को call किया. इसके अंदर मैंने ये object को call करना पड़ेगा. So ये मेन मेथड को जब मैं ये जो रेक्टेंगल है इसका विदाउट ऑब्जेक्ट बना के भी मैं अगर इस तरीके से लिख दूं सिर्फ एरिया करके तो इट विल रन, इट विल डायरेक्टली कॉल दिस मेथड. मींस ये मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेगा अगर मैं ये रन करता हूं तो. ओके, वी डोंट नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक हटा देता हूँ तो आई हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रेक्ट R equals to new. Whenever we use a new keyword, it will make an memory space for that object. Memory space बना देता है JVM में. Okay, ये rect. Okay, and then I have to call with R dot area. Okay, so this is the instance of a class. ठीक है, ये instance of a class है. So we don't make an instance of a class. ये वाली line को बनाने की जरूरत नहीं है जब मैं static करता हूँ तो. I think we will और भी है एग्जाम्पल नीचे में, फिर हम लोग और देखते हैं आगे में. I think that's clear from there. So directly we can call a class name. We don't make an object while using a static method. And args is nothing but arguments or a parameter we pass. Static methods, a common use for a static method is to assess static field. अब सबसे बड़ा जो काम है स्टैटिक मेथड का वो ये है कि स्टैटिक मेथड के अंदर में स्टैटिक फील्ड रहना चाहिए. ओके, या फिर जब भी मैं स्टैटिक फील्ड बनाता हूँ तो वो स्टैटिक मेथड के अंदर में ही रहना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल वी कुड ऐड अ स्टैटिक मेथड टू द बाइसिकल क्लास. दिस बाइसिकल टू असेस द स्टैटिक फील्ड नंबर ऑफ बाइसिकल. सो दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल. ओके, static method, not all combination of instance and classes, variable and method are allowed. Anyone to say something? Nikhil, you are mute. Okay, not all combination of instance and classes, variable and method are allowed. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी combination बन use कर सकते हैं. ठीक है, instance method can assess instance variable and instance method directly. Ab instance method means the instance is nothing but an object. Jo object maine jo method ka banaya main usko directly use kar sakta hu. Theek hai, aur iske andar ke variable bhi. Instance method can assess a class variable and class method directly. Theek hai, main bina object banaye bina initialization ke object kiye भी मैं स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ. स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड मींस नथिंग बट अ क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड. ओके, और ऑब्जेक्ट का यूज करके भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ. बट ऑब्जेक्ट का यूज करके रन करना इट्स नॉट फिजिबल, और बोल सकते हैं इट्स जस्ट लाइक गिविंग एन एक्स्ट्रा मेमोरी टू यूजलेस कंडीशन. उसका यूज नहीं भी है तब भी हम लोग उसको एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेटेड करते हैं. Okay, class method can assess class variable and class method directly. ये instance method है, ये class method है. Class method is nothing but a static method, and static method can directly use a static variable and static method also. Directly call कर सकता हूँ मैं static variable method के अंदर में दूसरी static method. Okay, class method cannot assess instance variable or instance method directly. They must use an object in reference. Also, class method cannot use this or super keyword. Static keyword का एक बहुत बड़ा drawback है. We cannot use a these or super keyword because it's already a super one. Static is already a super one. Just because जब भी मैं JVM या फिर class file run करता हूँ तो सबसे पहले JVM क्या check करता है? Static method check करता है.
क्योंकि उसको मेरे को इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है. एंड जावा ऑलरेडी ऑलवेज मेक एन ऑब्जेक्ट वाइल रनिंग एनीथिंग. कुछ भी रन रन करने से पहले जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है. लेकिन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल वेरिएबल को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है. दैट्स व्हाई दिस और सुपर कीवर्ड नॉट यूज इन स्टैटिक वर्ड स्टैटिक मेथड. कॉन्स्टेंट फील्ड आर ऑफन डिक्लेयर एज स्टैटिक. जो कॉन्स्टेंट फील्ड है उसको भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक बोल देते हैं, यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल नम ऑफ व्हील्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनी बाइसिकल एंड नॉट ऑफ एनी सर्टन इंस्टेंस. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है. तो जैसे मैंने बाइसिकल बोला तो ऑलवेज हैविंग अ टू वही व्हील्स, इट विल नॉट थ्री और फोर, सो इट विल नॉट चेंज, सो इट विल कैन बी अ कॉन्स्टेंट. If there is a sense to expose the constant field to the outside world, it is common to declare the field as public rather than through a gator. Okay? अभी gator क्या है? Gator and setter is a pojo class. जब हम लोग pojo बनाते हैं, then उसका use होता है. Pojo just like this. Int x int a equals to 10. Int a दिया. तो इसका gator बनेगा. Public void. Okay, so this will be the getter method in which हम लोग a की वेरिएबल पास करते हैं, a वेरिएबल पास करते हैं. सो इट्स मेक कोड बल्की, ये बल्की बना देता है. अगर मैं इसको ऐसा ही यूज कर लू इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस गेटर मैथड, वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एज पब्लिक. सो वी कैन यूज फ्रॉम एनी वेयर, सो नो नीड ऑफ दिस, ये इसकी जरूरत नहीं रहेगी. Now, for making singleton, for making a singleton pattern, a pattern which is used for a designing. जब हम लोग code को design करते या लिखते हैं, write करते हैं, then that time we use a static singleton pattern. अब singleton pattern means having only single object of a class. अगर मैं उसको 10 बार भी initiate करूँ, object बनाऊँ, फिर भी वो single object को ही use करेगा. Okay, that is nothing but a singleton object. और इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट यानी सबसे जो कंपलसरी कंडीशन है वो है कि वो स्टैटिक रहना चाहिए. ओके, रिस्ट्रिक्शन द इंस्टेंस ऑफ अ सर्टेन क्लासेस टू एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट. ओके, जब भी मैं अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया था रेक्ट आर करके, सो इट विल मेक ओनली वन ऑब्जेक्ट. सो सिंगलटन इज नथिंग बट मेकिंग ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. अगर मैं दूसरा भी बनाने जाऊं तो वो क्या करेगा, जो पहला इंस्टेंस है उसी का रेफरेंस लेके यूज करेगा. द सेम मेमोरी विल अलोकेटेड और सेम रेफरेंस टू दैट ओरिजिनल वन, जो पहली बार बन चुका है उसी को यूज करेगा. अगर नहीं है बना, देन इट विल क्रिएट अ न्यू वन एंड मेकिंग अ सिंगल ओनली. एक ही बनाए रखे रहेगा वो अपने पूरे होल प्रोसेस में. दिस इज यूजफुल व्हेन एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट एक्शन अक्रॉस द सिस्टम. पूरे प्रोसेस में मेरे को एक ही ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, देन एट द टाइम वी यूज दिस सिंगलटन पैटर्न. ओके, सिंगलटन ऑब्जेक्ट इज अकॉर्डिंगली ग्लोब एसेसिबल ग्लोबली. अब ये पब्लिक भी यूज यानी पब्लिकली है और पूरे सिस्टम में यूज कर सकते हैं, तो इट इज यूज पूरे फुल जेवीएम में यानी जो भी प्रोसेस शुरू उसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग द स्टैटिक मैथड. इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, मैथड शुड बी स्टैटिक वन. ओके, और भी कंडीशन है फॉर सिंगलटन, दैट द कंस्ट्रक्टर शुड बी अ प्राइवेट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. और स्टैटिक मेथड के थ्रू हम लोग सिंगलटन क्लास बनाते हैं. जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है व्हाट इज सिंगलटन, सो द आंसर विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्टेन क्लास टू एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट. एक ही ऑब्जेक्ट बनाने देगा. सो हाउ यू मेक एन सिंगलटन क्लास और सिंगलटन या सिंगलटन क्लास कैसे बनाओगे आप. सिंगलटन क्लास बनाने के लिए जो सिंगलटन क्लास का जो क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट रहना चाहिए. उसका जो एसेसीफायर है कंस्ट्रक्टर का वो क्या रहना चाहिए, प्राइवेट. और जो मेथड बन है मेरी क्लास के अंदर में वो स्टैटिक मेथड रहना चाहिए. तो दिस विल मेक अ सिंगलटन. दिस इज हाउ द एग्जांपल इज, आई यूज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, कंट्रोलर इज अ क्लास नेम, आई यूज दिस
दीज आर द वेरिएबल ऑल्सो, इंस्टेंस का एक वेरिएबल बनाया मैंने जो भी प्राइवेट स्टैटिक है, ठीक है. प्राइवेट स्टैटिक मीन्स इट विल कॉन्स्टेंट, इट विल नॉट चेंज थ्रू द होल प्रोसेस एंड इट विल एसेसिबल फ्रॉम ओनली फ्रॉम द क्लास. ये जब भी मैं क्लास को डिफाइन करूंगा तभी यूज होगा. ओके, तो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया. इट विल ऑल्सो यूज वन टाइम, एक ही बार बनेगा जब मेरी ये क्लास लोड होगी. देन आई यूज अ स्टैटिक मेथड फॉर अ कंट्रोलर गेट इंस्टेंस. दिस इंस्टेंस गिव द, इफ इंस्टेंस अगर नल है, if instance equals equals to null, मतलब कि अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बना है, then it will make a new object. This will nothing but a creation of object. Okay, this is the creation of object because we use a new keyword. अगर नहीं है तो बना दो, अगर है then it will exit and return that instance. Okay, और instance हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल एज ए डिफाइन किया है. तो जब भी पहले, अगर ये क्लास पहले से रन हुआ होगा तो वो ऑब्जेक्ट बना ही है. अगर ऑब्जेक्ट बना है तो वो रिटर्न कर देगा वो वाला इंस्टेंस. अगर नहीं बना है देन इट विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ सिंगल टन क्लास. दिस इज नॉट अ थ्रेड शेप क्लास बिकॉज मैनी थ्रेड्स वर्किंग ऑन द सिंगल, एक ही रिसोर्स है. बिकॉज एक ऑब्जेक्ट ही बना है तो उसके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. सो इट इज नॉट द थ्रेड शेप बट मोर यूजली यूज फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज. हम लोग ये जो सिंगलटन पैटर्न है, ये सिंगलटन क्लास है, हम लोग सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे हमें डेटाबेस कनेक्शन के लिए बात करते हैं कि एक ही बार डेटाबेस कनेक्शन बने और वो कनेक्शन पूरा होल प्रोसेस में यूज हो, ना कि मुझे बार 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 इनिशियलाइजेशन करना पड़े. अगर मैं बार बार डेटाबेस कनेक्शन बनाऊंगा in a single process or a single programming, then it will hit my database badly और उसका cost भी ज़्यादा होगा, है ना. तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक बार database connection बना लिया, उसका object में बार बार use कर लूँ. तो that is nothing but making more easy and secure way of coding. तो singleton security के लिए use भी होता है. Okay, notice the private constructor. What I am talking about, it's a private constructor. Constructor के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, but a private constructor is nothing but to access only from their own class. ये खुद के class से ही होगा. Okay, private का मतलब ये होता है कि मैं वो variable, वो method या फिर block को कहीं और से use नहीं कर सकता. वो not accessible from any other. Its scope जो है उसके class के अंदर ही रहेगा. स्टैटिक ब्लॉक, हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल देख लिया, स्टैटिक मेथड भी देख ली. नाउ स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक इज नथिंग बट स्टैटिक और उसका डायरेक्ट उसके अंदर में हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. जो भी वेरिएबल्स है, जो भी मेथड हमें जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको यूज करना है डायरेक्टली विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम वी यूज अ स्टैटिक ब्लॉक. ओके, Static block is a block of statement inside a Java class that will execute when a class is first loaded in a JVM. जैसे ही क्लास लोड हो जाती है तो सबसे पहले जो है स्टैटिक ब्लॉक ही रन होता है. ओके, स्टैटिक ब्लॉक हेल्प टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर. वो वेरिएबल, वो मेंबर जो हमें तुरंत यूज करना है इंस्टेंस, जैसे ही मेरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम वी यूज अ स्टैटिक ब्लॉक. जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर हेल्प टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस मेंबर. ओके, so this is the static block. यहाँ पे new controller के अंदर controller को call करके, I mean ये controller को use करके, controller is nothing but a constructor or an object of this class. तो directly मैंने ये class का object बना के use कर लिया. This is the small program and it is a static and it is again a singleton. ये singleton बोल सकते हैं ना हम लोग, because कि this is a private constructor. This is a private constructor and singleton method returning nothing. अभी कुछ भी return नहीं कर रहा है. जब उसका instance बन जाएगा then it will return this instance if there is an instance. ये अगर बनाता है then ये return करेगा. Example of static, without static method and with the help of static method. देखो without static method
ये स्टैटिक ब्लॉक है तो ये डायरेक्टली पहले ही एसेस हो जाएगा। आउटपुट दोनों के आउटपुट बताओ फटाफट, मैं इधर ले लेता हूँ। ओके आउटपुट ऑफ बोथ द प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो मेन फॉर। अच्छा पहले एग्जांपल वन का बताओ, एग्जांपल वन का आउटपुट क्या आएगा, आर यू श्योर कि हेलो मेन ही आएगा, एनीवन सभी का हेलो मेन, आई डोंट थिंक सो, एनीवन एल्स हु इज डिफरेंट आंसर, किसी का दूसरा कुछ आंसर है, नो वन, प्रीति निखिल अभिलाषा आर यू श्योर अबाउट दिस, हेलो वर्ल्ड ही, हेलो हेलो मेन ही रहेगा, नो द आंसर विल बी स्टैटिक ब्लॉक इज इनवोक, मैंने पहले ही बताया जैसे ही मैं स्टैटिक ब्लॉक लिखता हूं अपने प्रोग्रामिंग में तो सबसे पहले वो स्टैटिक को यूज करता है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या लिखेगा, स्टैटिक ब्लॉक इज इनवोक, ओके then फिर वो आएगा hello main में, so answer will be the output will be static block is invoked hello main, okay, so that is the use of static block का use हो सकता है, अगर मैं main method हटा देता हूँ तो ये static use run नहीं हो पाएगा, हाँ java 1.5 से पहले static method के static block या static method के through भी हम लोग run करते थे program, okay बट आफ्टर 1.5 या 1.7 के बाद हम लोग विदाउट मेन मेथड रन नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम, दैट इज द एडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग। सेकंड वाले का आंसर बताओ, आंसर द सेकंड वन, ओके एनीवन एक्सप्लेन समथिंग कि डेटा 30 कैसे वो प्रिंट कर रहा है, एनीवन प्रीति कैन यू एक्सप्लेन, ये जैसा आपने वो लास्ट वाला कुछ बोला था इंस्ट्रक्टर कैसा था, yeah it's it is a nested class, yes yeah it's a nested class but q usne 30 le liya without making, maine to isko class ke andar bhi nahi likha hai, and I make an object of inner class, maine inner class ko object banaya hua hai, yahan pe ye inner class ko call hua hai, because
बिकॉज स्टैटिक जब भी मैं लगाता हूँ तो पूरे क्लास में वो वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट क्लास, ये टेस्ट आउटर वन इज अ कंप्लीट क्लास टिल दिस देयर, यहाँ तक है वो, है ना? यस, सो स्टैटिक वेरिएबल इज नथिंग बट अ क्लास वेरिएबल, और एक क्लास का वेरिएबल होने के कारण ये 30 को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, एनीवेयर इन द क्लास. सो दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेसिबल दिस 30 हियर. सो पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इनर क्लास का, इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये मैसेज को कॉल किया, मैसेज मेथड को कॉल किया, बिकॉज इट इज नॉट स्टैटिक, सो वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वी डोंट मेक एन ऑब्जेक्ट. मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाना, ये ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया रहता तो भी चल जाता. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल कॉल दिस मेथड, ये मेथड को कॉल किया, इसने यहाँ पे ये प्रिंट किया, डेटा इज 30, द वैल्यू ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल. ये वेरिएबल कॉल करने का वे है, जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस में वो परसेंटेज साइन का यूज करके वेरिएबल को कॉल करते थे उसका वैल्यू, सेम वे में हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल का नेम विद द प्लस साइन इज यूज फॉर कॉलिंग दैट वेरिएबल इन आउटपुट, यानी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट. ये जब भी मैं प्रिंट एलन बोलता हूँ तो ये मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट देता है, तो आउटपुट विल बी डेटा इज 30. गुड वन, प्रोसीड फर्दर. हम लोगों ने नेस्टेड क्लासेस थी, क्लासेस के अंदर क्लासेस देख लिया है, बट स्टिल वी हैव सम बेसिक थिंग्स. ओके फाइन, यहाँ पे ये नेस्टेड क्लासेस, क्लास के अंदर इनर क्लास इज नथिंग बट अ नेस्टेड क्लास, बट वी कैन डू सम थ्योरेटिकल वर्क क्या होता है करके. अ स्टैटिक क्लास दैट इज क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड अ नेस्टेड क्लास. मैं दिस पे ये दर्शित था तुम लोग तगाई तो दिस इज दिस ना सगरी करता था. एनीवन हु इज दैट वेज ये एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियसली देख चुका है इसका, एक क्लासेस के अंदर इनर क्लासेस, दिस इज नथिंग बट अ नेस्टेड क्लास, बट इट शुड बी अ स्टैटिक वन. ओके, इट कैन एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट आल्सो. अगर मैं प्राइवेट मेंबर लगा दिया रहता है यहाँ पे तो भी ये यूज हो गया रहता, बिकॉज इट इज एसेसिबल. स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन नॉट एसेस द नॉन स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर और मेथड. अब नॉन स्टैटिक मीन्स अगर मैं ये जो स्टैटिक इंट लिखा है इसको मैं अगर हटा दूं और इन 30 करूं तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे. ओके, सो इट विल गिव एन नल पॉइंटर एक्सेप्शन और समथिंग, ये मेरे को कंपाइल ही नहीं करने देगा, बिकॉज इसके पास ये डेटा वाला वेरिएबल रहेगा ही नहीं. ओके, हम लोगों ने आउटपुट तो प्रीवियस इसमें देख ही लिया इसका, सो दिस इज व्हाट अ स्टैटिक नेस्टेड क्लास. सो नेस्टेड हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, नेस्टेड हम लोग वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल में बना लगा दिया तो वो पूरा क्लास वेरिएबल बन जाएगा, मेथड में बना दिया तो क्लास मेथड बन जाएंगी. स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक का यूज करने के कारण हम लोग उसको JVM में जब क्लास फाइल लोड होती है तो ऑटोमेटिकली उसके जो वेरिएबल्स है, जो भी उसने कॉल, जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर में, वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगी. देयर इज नो नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन यूज अ स्टैटिक nested class also. Okay, so static having a big use in our programming. Now second, what is constructor? Hum log next chapter mein abhi hum log that is second part of our agenda, that is constructor. So constructor ka jo पहला जो यूज है इज यूज फॉर मेकिंग अ क्लास इंस्टेंस, जो भी क्लास के इंस्टेंस है उसको यूज करने के लिए. इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड. यस, इट्स यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड द इंस्टेंस, जो भी उसके वेरिएबल्स मेथड है उसको कॉल करने के लिए. इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड. ओके, जब मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का तो ऑटोमेटिकली उसका कंस्ट्रक्टर बन जाता है बाय डिफॉल्ट. एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड इन मेमोरी. एट द टाइम ऑफ कॉलिंग एन कंस्ट्रक्टर, जब भी मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ तो वो मेमोरी में मेरी स्पेस अलोकेटेड कर देता है विद
respect to that constructor. Yeah, initialize data member and of classes. It is a special type of method which is used to initialize an object. ये एक अलग ही तरीके का method है, but more use in our programming. Every time an object is created using a new keyword, at least one constructor is called. जब भी मैं new keyword से एक object बनाता हूँ class का, तो एक नया constructor वहाँ पे बन जाता है जो उसकी memory allocated हो जाती है मेरे memory space में, या JVM में बोल सकते हैं, Java virtual machine में. So this is constructor. Rule for creating constructor. Constructor को कोई return type नहीं होता है, सबसे पहली चीज. Okay, there are two rules defining for the constructor. Constructor name must be same as its class name. जो भी class का name है same ही रहना चाहिए, और उसको कोई return type नहीं रहना चाहिए. Must have no explicit return type. Okay, this is an example creating a default constructor. A Java constructor cannot be abstract, static, final or synchronized. Why this is so? अगर मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा, इट विल मेक एन मेथड, इट विल नॉट मेक एन कंस्ट्रक्टर. देन अगर मैं फाइनल, स्टैटिक या एब्स्ट्रैक्ट यूज करूंगा या सिंक्रोनाइज करूंगा, तो वो मेथड बन जाएगा, इट विल नॉट बी एन कंस्ट्रक्टर देन. ओके, सो जैसे ही मैंने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे कॉलिंग एन डिफॉल्ट मीन्स यहाँ पे मेन मेथड के अंदर में ये क्लास का वेरिएबल बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड. अगर मैं ये कोड नहीं भी लिखूं, आई विल स्किप दिस कोड, बाइक वन करली राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड. अगर मैं ये नहीं भी लिखूं, देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट दिस वन, मीन्स ये बाइक का तो बना लेगा. हाँ, ये वाली लाइन नहीं रहेंगी इसमें, ये वाली लाइन स्किप कर देगा वो, दिस लाइन विल नॉट बी देयर. ठीक है, जैसे ही मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच इज डिफाइंड और विच इज मेड बाय अ जेवीएम इटसेल्फ. जब भी मैं न्यू कीवर्ड बनाता हूँ और मेरे को ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता, अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिफाइन दिस इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. So this is an example how we created and constructor. It's simple. इसको कोई return type नहीं है, और इसको same as of class name. ये class का name है, वैसे इसको constructor का name रखना है. There are means constructor के type होते हैं. एक होता है default constructor, means no argument. The same way this is the default constructor or no argument constructor. यहाँ पे कुछ parameter pass नहीं किया. And the second one is the parameterized constructor. Second one is the parameterized constructor. If there is no constructor in the class, compiler automatically create a default constructor. This is what the means magic behind the Java use. The Java का जो backend process है वो कैसे करता है, तो अगर मैंने constructor नहीं भी लिखा है with respect to that class, it will automatically make a constructor inside the memory. Okay, and there are two type of constructor. One is default constructor and second is a parameterized constructor. And this is the example. एक student class बनाया मैंने, उसमें variable है int, int id is about default value is zero. Why default value is zero? Because int का default value zero रहता, ठीक है? Int data type अगर मैंने उसको initialize किया, तो उसका जो default value है without giving any value, it will first जो value default value जो मिलती है id को, वो zero मिलेगी. Okay, string name, ये भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, int i int n, ये वैल्यू नेम चाहिए था वहां पे, सॉरी नहीं, int i int n इज स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग n, सॉरी स्ट्रिंग n. सो इट इज नथिंग बट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और ये जो वेरिएबल है ऊपर में, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिया i और d, देन मैटर टू डिस्प्ले द वैल्यूज. ये वैल्यूज को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए यूज किया.
अब मेरा जो मेन मेथड है वो कॉल करेंगे मेरे ऑब्जेक्ट मैंने मेरी क्लास को, तो ये इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विद स्टूडेंट फॉर न्यू एंड पासिंग द वैल्यू, दिस विल पासिंग द वैल्यू एंड दिस विल पासिंग दिस वैल्यू, दो वे दो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के बाद मैंने ये इसको कॉल भी किया है S1 एंड S2, S1 एंड S2 इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ अ वेरी क्लास, दो इंस्टेंस बनाया मैंने, ठीक है, और वो दोनों को मैंने डिस्प्ले के लिए कॉल किया है। So what will be the output? Anyone else having the different output? Okay, fine. ओके सो यहाँ पे इसने क्या किया कि या पूनम इट विल नॉट यूजिंग दिस, पूनम का जो आंसर है वो राइट है, प्रीति का आंसर राइट है, प्रियंका इट विल नॉट यूज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सो इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन बिकॉज वी आर यूजिंग दिस न्यू लाइन LM, सो इट विल कम विद अ न्यू लाइन। ओके आंसर इज राइट बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट इज नॉट राइट। ओके जो आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो पूनम या फिर जो प्रीति लिखा है, प्रीति ने लिखा है वैसा होगा, बाकी जो चीजें वो तो समझ में आएगी है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस जो क्लास है, तो इसने डायरेक्टली ये वाली वैल्यू ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसने असाइन किया। सो द होल प्रोसेस अब मेरे आईडी में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 00 ना रहते हुए क्या है अभी ये वाली वैल्यूज है। अगर मैं ये वैल्यूज नहीं पास करता, इफ आई डोंट पास दिस वैल्यूज 111 एंड करंट, इफ अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पास नहीं करता ऐसा रहता तो आउटपुट क्या रहता फिर, अगर मैं स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट है क्या? Okay, अगर ऐसा कॉल करता तो क्या होता, व्हाट विल बी द आउटपुट? दैट्स गुड, यस द आउटपुट विल बी 0 एंड नल बिकॉज इट विल क्रिएट अ डिफॉल्ट वैल्यू एंड गेटिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इफ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया रहता। So difference between default constructor and a parameterized constructor. This is a parameterized constructor, and if I go with the default constructor, तो ये फिर without any parameter रहता, जो कि normal हमारा GVM भी बनाता है। Now the constructor chaining. चेनिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को ज्वाइन करना। ओके सो कंस्ट्रक्टर चेनिंग मींस कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर ना अदर कंस्ट्रक्टर, या फिर उसका बोल सकते हैं कि वन इज डिपेंडेंसी बढ़ा देना, ठीक है। कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ अ सेम क्लास इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, मैं सबसे पहले जो कॉल होगा क्या होगा, मेरा मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड में मैंने एक क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने न्यू क्लास का, तो इट विल फर्स्ट चेक न्यू क्लास माई क्लास न्यू माई क्लास, तो ये माई क्लास चेक करेगा, माई क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे मिला उसको यहाँ मिल रहा है। ओके सो इट विल प्रिंट, सो इट विल गिव द वैल्यूज एज दिस, सो इट विल क्रिएट वन स्ट्रिंग इन इट। ये क्या किया, एक स्ट्रिंग पास किया है इस केस में। ओके सो स्ट्रिंग पास किया तो ऐसा कौन सा कोई मीन्स ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं जिसमें उसने स्ट्रिंग मिला है करके पैरामीटर में, सो इट विल क्रिएट अ न्यू मीन्स yeah this is nothing but to it's defining the current class or current method, okay, current instance of a class or current instance of a method ko hum log this use karte hai, theek hai, to ye iske liye use hua hai, lekin yahan pe koi string pass nahi hua to wo ye check karta hai ki koi dusra means dusra constructor hai kya with the parameter string, so it will give this, so ye call kiya, fir usne aur ek variable pass kiya hai ya fir aur ek
वैल्यू पास किया इन दैट ओन कंस्ट्रक्टर, सो इट विल कॉल एस डॉट दिस. सो एस इज नथिंग बट अवर स्ट्रिंग नेम बिगिनर बुक डॉट कॉम एंड देन वैल्यू इज 6. सो अगेन इट कॉलिंग द अनदर कंस्ट्रक्टर, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें दो पैरामीटर है, तो वो यहाँ पे आया, यहाँ पे दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मिल गया. देन इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ एस एंड नेम इज दिस एंड इट विल गिव एन आउटपुट. अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करता है यहाँ पे एसओपी, सो इट विल गिव एन आउटपुट एज मींस बिगिनर बुक डॉट कॉम 6, ऐसा करके वो आउटपुट दिया रहता. दिस इज नथिंग बट कॉलिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया. सो दिस इज नथिंग बट अ चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा यूज नहीं होता है हमारे इसमें. इट्स सिंपली वी हैव टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर एंड यूज ऑल द डेफिनेशन, जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल जो भी दिया है हम लोगों ने, जो भी मैथड दिया है, जो भी प्रोसेस हम लोग वो क्लास या फिर मैथड के अंदर में प्रोसेस करें, वो डायरेक्टली कॉल होता है. कंस्ट्रक्टर चेनिंग बहुत हाई लेवल की कोडिंग में यूज होता है बट नॉट इन लोअर लेवल. Okay, and now super and this keyword, super constructor and this constructor. हम लोगों ने super को भी देखा है और this वो keyword को भी देखा है. तो this and super are also used to call the constructor. जैसे यहाँ पे use हुआ है, this is used for calling a constructor with having two parameters. दो argument के साथ जो constructor होगा उसको call करने के लिए use हुआ है this. Super are also used for calling the super constructor. Yeah, super inheritance. Yes, because it's calling from method, एक method एक class से दूसरे class को use करने के लिए use होता है. Super, you can call the constructor of a super class. A class दूसरी class का use कर रहे, that is nothing but a inheritance. ये और एक एग्जांपल आ गया है आपके पास. आउटपुट ऑफ दिस, इसको मैं इधर कर देता हूँ. पहले तो पहले एक क्लास का आउटपुट बताओ, देन एक ही क्लास है सॉरी, पूरा कंप्लीट वन ही एक ही प्रोग्राम है. यू हैव टू आउटपुट, इसका आउटपुट चाहिए मुझे. प्रोग्राम समझ में आया ना, प्रोग्राम समझ में आया. वी हैव कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर फ्रॉम नॉर्मल क्लास, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर. ओके, अब आउटपुट भी बता दो फटाफट. यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा है, मतलब ये प्रिंट तो होने ही वाला है बिकॉज इट्स कॉलिंग फ्रॉम मैं दिस. ये प्रिंट ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको तो कॉल किया ही किया है, तो ये तो प्रिंट होना ही वाला है. अब ये जो वैल्यू है एक्स एंड वाई, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर. ये प्रिंट एक्स एंड वाई, ये यहाँ से भी वैल्यू इसको चेंज होके आ रही है. एक्स एंड वाई वैल्यू दिस दिस, यहाँ पे और भी प्रिंट होगा. यहाँ पे बेस क्लास के अंदर में ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए, एक्स की वैल्यू एंड सुपर क्लास की वैल्यू ऐसा.
Good. Anyone having a different answer from this? Ganesh, there will be four output and means चार बार वो कुछ print करना चाहिए इसने. Base class दो बार और super class दो बार, because we are calling a two print, दो बार print को call किया हम लोगों ने. एक बार print को call करूँगा तो ये दो बार call होगा, and then ये second वाले print को call करूँगा. तो जो one and two ये वाला जो answer है ये शायद ये इसके लिए means for this. Okay. When I call this means यहाँ पे क्या किया इसने, zero zero call किया है, मतलब ये इसने ये वाली method को call किया. जब मैंने ये वाली मेथड को कॉल किया बी वाले विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो इसने ये कॉल किया है ना, तो इसके वैल्यू क्या गया, जीरो जीरो गया. ओके, तो बेस क्लास क्या हो गया मेरा, जीरो जीरो. ओके, एंड देन सुपर क्लास विल बी वन वन, जीरो प्लस वन, यहाँ से ये वैल्यू इधर गई वन वन, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो गया वन वन. तो जीरो जीरो and 1 1 will be the output of this, and then I pass 1 and 2, so ye directly mere yahan pe aaya, isne plus 1 aur plus 1 kiya, so it will gives 2 and 3. Base class ka value kya hai mere paas, abhi base class ka value mere paas same hi hai 1 2, but yahan pe super class ka value kya ho gaya 2 3. Okay, 1 2 yeah 2 3 ho gaya iska value. So the output will be as same like this. Yes. जब मैंने B को call किया without the constructor, ये वाला yes, Nivedita, you are right. ये जो आंसर है निवेदिता का, that's right. Because पहले उसने ये कॉल होने के बाद, जैसे ही उसने ये कॉल किया तो इसका ऑब्जेक्ट क्या कहाँ गया, यहाँ पे गया विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किया जिसमें वैल्यू थी जीरो जीरो, तो ये जीरो जीरो कंस्ट्रक्टर ने इसको कॉल किया. ओके, विद द हेल्प ऑफ सेम नेम. ओके, विदाउट रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है. ओके, तो इसने ये कॉल किया, लेकिन ये कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या चेक करता है वो, x एंड y ऑफ अ सुपर. तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 0 पास हुई थी यहाँ पे x एंड y की, तो x की वैल्यू 1 से प्लस हुआ, y की वैल्यू 1 से प्लस हुआ. ओके, तो ये क्या हो गया वैल्यू 1 1, और इसने 1 1 सुपर को कॉल हुआ. तो ये सुपर क्या है मेरा, ये वाला है, बिकॉज इट्स नथिंग बट अ एक्सटेंडेड. तो यहाँ पे ये कॉल होने के कारण इसका वैल्यू सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने, उसने रिटर्न कर दिया. तो इट विल गिव द सुपर एज 1 1, ये 0 0, ये 1 1. देन व्हेन आई पास 1 2, सो ये 1 2 यहाँ पे आया, ये 1 2 ने फिर ये प्लस किया, 2 3 गया, 2 3 को ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2 3. ओके, निवेदिता यू आर राइट, करेक्ट आंसर. टू प्रोसीड फर्दर, समझ में आया ना ये प्रोग्राम, इट जस्ट फॉर सुपर एंड दिस कीवर्ड. ओके, सुपर और दिस कीवर्ड के ऊपर मैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं यूज किया हुआ है. कंस्ट्रक्टर का और एक चीज है इन्यूमरेशन डेटा टाइप. इनम जो डेटा टाइप होता है उसको हम लोग इन्यूमरेटेड डेटा टाइप करते हैं ना, बोलते हैं. तो मैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप में ऐसा कुछ, एक कार का एक इनम बनाया है मैंने, और ये इनम में मैंने लैम्बोर्गिनी, टाटा, ऑडी, फ्लाय एंड होंडा के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं. तो इज नथिंग बट अ प्राइस इन लैक, बहुत पुराना प्रोग्राम हुआ है. तो ये 9900250 इज द वैल्यू ऑफ योर होंडा फ्लैट, यानी ये जो कार की वैल्यूज दी हुई है. ठीक है, अब इनम का फंक्शन ये है कि वंस आई एलोकेटेड द वैल्यू इट विल नॉट चेंज, इट्स विल यूज एज अ अरे, अरे ऑफ अ वैल्यू, ये अरे ऑफ अ वैल्यू यूज करता है. ओके, तो प्राइवेट इन प्राइस इज अ वेरिएबल व्हिच वी डिफाइन इनसाइड अ इनम कंस्ट्रक्टर. ये इनम कंस्ट्रक्टर, ओके, विद द हेल्प ऑफ इनम डेटा टाइप.
फिर मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने इंट पी, इंट पी, तो इंट पी विल कॉल द वैल्यूज एज पी एज प्राइस. तो इसने जो भी वैल्यूज है देयर इज नथिंग बट अ क्लास 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 नेम एंड देयर प्राइस. सो गेट प्राइस रिटर्न द प्राइस बिल. अब मैंने मेन मेथड से क्या किया कि पहले ऑल ऑल कार प्राइजेस करके कुछ प्रिंट किया है एंड सी को कॉल किया है. सी कार इज अ न्यू वैल्यू ऑफ अ कार. सो इट विल गिव द फॉर ईच लूप. ये क्या है मेरा फॉर ईच लूप हो गया है यहाँ पे. ओके जो फॉर लूप में हम लोगों ने चाहिए बताया था कि फॉर ईच लूप करके कुछ है. फॉर ईच इज नथिंग बट फॉर ईच लूप. तो यहाँ पे ये जब तक का चलेगा मेरे पास जब तक का कार के पास वैल्यूज है. तो कार के पास कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5. तो ये पांच बार चलेगा. ओके इट विल प्रिंट वन बाय वन. सो सी सी विल बी द वैल्यू ऑफ अ कार एंड विद द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज गेट प्राइस इन अ $1000. सो इट विल प्रिंट. ये प्रिंट क्या करेगा व्हाट विल बी द आउटपुट. इट विल प्रिंट द आउटपुट एज अ वैल्यू 900 250 15 and 12. ओके सी कॉस्ट दैट गेट प्राइस. गेट प्राइस विल बी द रिटर्न दिस वैल्यूज. तो आउटपुट क्या होगा इसका. आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द आउटपुट. ऐसा होगा क्या डायरेक्टली 900 नहीं पहले क्या प्रिंट करेंगे ऑल ग्रा ऑल प्राइस ऐसा 1000 डॉलर. ऐसा यही प्रिंट करेंगे या फिर इसके आगे का ये नेम भी देगा क्लास कार्स के नेम भी देगा. ये ऑल आउटपुट राइट है या फिर नेम पन या फिर ये ऑल आउटपुट राइट है. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ये इसके आगे में सारे वेरिएबल्स के नेम के आगे में ये आउटपुट ये कॉस्ट के आगे में उसका कार का नेम भी आएगा बिकॉज इट कॉलिंग दिस सी एंड सी इज नथिंग बट योर क्लास नेम और नेम ऑफ योर कार. या ऑल कार प्राइसेस गुड. सो दिस इज द यूज ऑफ इनम कंस्ट्रक्टर. इनम कंस्ट्रक्टर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग. बहुत मिनिमम यूज होता है बिकॉज इनम को हम लोग बहुत कम डिफाइन करते हैं या यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में. ओके जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज है वो है स्ट्रिंग प्रिंट है फॉर लूप व्हाइल लूप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग दीज आर द थिंग्स सुपर कीवर्ड दिस कीवर्ड वी विल यूज. यस any question regarding this anyone having any doubts questions because we will I think we will go with further kuch aur hum log ye topic yahan pe khatam karne wale shayad iske aage mein differences anyone having a question regarding constructor or a static kuch hai values yani koi doubts hai kuch programmings mein. Okay, fine. Anyone else? Priti, then Rukhsar. Yes, we will continue.
गायत्री यू हैव एनीथिंग टू से, कुछ क्वेश्चन? दीपाली, दो दो हम लोगों ने दो बड़े बड़े टॉपिक कवर किए हैं, एक है कंस्ट्रक्टर और एक है स्टैटिक. ओके फाइन. तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर को मैं जैसा देख रहा था वो सेम एज इट इज मेथड के जैसा ही दिख रहा था, बट मेथड हैविंग अ रिटर्न टाइप. ओके, वेयर स्टैटिक डोंट हैव अ रिटर्न टाइप. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड सॉरी कंस्ट्रक्टर एंड मेथड. सो पहला जो मेथड का डिफरेंस है, मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट. बिकॉज मेथड जब भी कॉल करता हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर का जरूरी नहीं है कि मेरे को कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ओके, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑन ऑब्जेक्ट. ओके, वो स्टेट बताता है, बिहेवियर नहीं बताता. ओके, एक मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप. मेथड को रिटर्न टाइप रहता है. कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, सॉरी नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं रहता है. द मेथड इज इनवोक एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली मतलब उसको बाहर से कॉल करना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है. जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखा, जैसे अभी हम लोगों ने ये दिस मेथड वाला प्रोग्रामिंग देखा जिसमें विदाउट मैंने यहाँ पे कॉल भी नहीं किया, बट मैंने दिस का वैल्यू दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसने ये वाला कॉल किया, ये वाले कंस्ट्रक्टर को. सो इट विल कॉल इम्प्लिसिटली. ओके, बट फॉर कॉलिंग द मेथड इनसाइड अ मेथड वी हैव टू कॉल एक्सप्लिसिटली. ओके, बाहर से बताना पड़ता है उसको. ओके, द जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास. कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा, जेवीएम बना लेता है. बट मेथड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस. मेथड जावा का कंपाइलर I'm audible. Hello all. Sorry for that internet disturbance. मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. Yes, fine. So here we are in the last part of our constructor. यहाँ पे हम लोगों ने differentiate between check किया कि method और constructor में क्या differences है. method को हम लोग बाहर से call करना पड़ता है, constructor को internally call कर सकते हैं. रिटर्न टाइप रहता है नहीं रहता है, देन बिहेवियर एंड स्टेट आर द डिफरेंट थिंग. ओके, एंड कंपाइलर बना लेता है, कंपाइलर नहीं बनाता है. सो दिस आर द बेसिक और मेन डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड. ओके, मेथड नेम कोई भी नेम से सेव कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑफ द सेम नेम एज ऑफ अ क्लास नेम रहना चाहिए. ओके, दिस आर द फाइव डिफरेंशिएशन. यू कैन नोट इट डाउन दिस ऑल्सो. और anything regarding this two topic, two big topic, static and constructor, you can ask me or we can go further proceed. हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. Any question regarding the two topics? Anything? Any slide? कोई slide है जिसमें आपको समझा नहीं हो या कुछ ऐसा चीज हो जो मैंने लिखा है but मैंने explain नहीं किया है? आगे बढ़े फिर, अगर कोई questions नहीं है तो can we proceed further? Okay, fine. So इसके ऊपर में हम लोग एग्जांपल्स और ये सारी चीजें देखेंगे अभी, बट बिफोर दैट वी हैव कवर्ड अनदर टॉपिक ऑफ दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. ओ दिस इज व्हाट एक्सेप्शन इज देयर. ओके, इसको बाहर रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं रखो. एक्सेप्शन, सो व्हाट इज एक्सेप्शन? एनीवन? द होल इन बिटवीन द रनिंग प्रोसेस इज नथिंग बट एक्सेप्शन. ये जैसा मैंने पिक्चर में बनाया है, एक एक पर्सन रनिंग कर रहा है, बीच में होल आ गया, तो
this is not this is an exception and then it covers another way of things. Yeah, exception is an abnormal condition. That's good. Yeah, error. We can say error. Yes. बट एज अ डेवलपर हम लोग नहीं तो यही चाहेंगे कि हम लोग एक्सेप्शन या फिर एरर ना करें. फिर कैसे क्या ये टॉपिक क्यों कवर करना है फिर क्यों लेते हैं हम लोग एज अ प्रोग्रामर वी ऑलवेज ट्राई टू राइट अ कोड विच इज एरर फ्री विच इज रन इन अ वंस. एक ही बार में रन करूँ तो रन हो जाए. व्हाई वी आर यूजिंग दिस? यस बिकॉज एनीवन हैविंग आंसर. Yeah, it's an abnormal flow. Means यहाँ पे कुछ होल हो गया तो ये बंदा अगर ये दौड़ रहा है तो ये अगर होल से गुजरा और होल में गिर गया तो this is nothing nothing but an abnormal condition जो कि condition वो नहीं चाहेगा. So it will run with another path. This is nothing but an exception handling. The exception done by our own खुद ही से हो यानी हमसे ही होते हैं या फिर programming में JVM के through भी हो सकते हैं तो उसको handle करने के लिए exception handle use होता है. Okay. So this picture tells you about the story of exception handling in Java. ये पूरा picture बता रहा है कि exception handling कैसे होता है. So exception is nothing but an abnormal condition. Okay? एक ऐसी condition जो developer कभी नहीं चाहता है, जो programmer कभी नहीं चाहता है, but वो आ जाती है. That is nothing but a exception. To handle that exception, we have many things. Exception handle करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, but what is exception? An exception is an event that interrupts the normal flow of a program. It is an object which through a runtime, jo runtime mein output mein error de deta hai. As per the result, as per the expectation se na dete bhi kuch aur de dena output, that is nothing but an exception. Exception handling is a mechanism to handle runtime errors such as class not found exception, IO exception, SQL exception, remote exception. etc. There are number of exception. So developer की life में जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाला जो चीज है वो ये है class not found exception, SQL exception, IO exception. But जो real developer रहता है वो यही exception का use करके output भी निकाल लेता है because Java provide this as an output. जो दूसरी languages है पाइथन है वहां पे हम लोग जब रन करते हैं प्रोग्रामिंग तो वो हमें बताता नहीं है कि ये लाइन में एरर है ये लाइन में इतना ये रॉन्ग हो रहा है करके. इट विल नॉट गिविंग एन स्पेसिफिक एक्सेप्शन और एरर कि क्या एरर आ रहा है. बट जावा में हम लोग स्पेसिफिक एरर फाइंड कर सकते हैं यानी वो JVM खुद ही बता देता है कि ये एरर है यहाँ पे जाके ये लाइन में एरर है यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की थी इसलिए नल पॉइंटर एरर है. आपका SQL में बरोबर स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की जगह सिलेक्ट हैश फ्रॉम टेबल नेम लिखा है तो दैट इज नथिंग बट SQL एक्सेप्शन. इनपुट आउटपुट कोई चीजें को मैंने इनपुट दिया फाइल रीड कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट इनपुट लेकिन वो फाइल है नहीं वहाँ पे दैट टाइम इट विल गिविंग एन IO एक्सेप्शन. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल अ रन टाइम एरर सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन SQL एक्सेप्शन रिमोट एक्सेप्शन. The core advantage of exception handling is to maintain the normal flow of an application. An exception normally disturbs the normal flow of an application. That is why we use exception handling. Exception handling इसलिए use करते हैं ताकि ये जो exception आ रहे हैं इसको avoid कर सके हम लोग. Okay? Hierarchy of exception. Exception का जो main class है जहाँ से वो start होता है that is nothing but an object. Object तो सबसे बड़ा यानी parent है. उसके बाद parent होता है throwable. ठीक है. इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं यू नो एक्सेप्शन आप बोलेंगे यस आई नो एक्सेप्शन. व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज नथिंग बट एबनॉर्मल कंडीशन. सो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन? सो यू शुड नो अगर आपने एक्सेप्शन का हायरार्की बता दिया उसको सो इट विल नॉट आस्क द एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सेप्शन. अगर आपने ये पूरा ट्री डायग्राम बता दिया आपने एक्सप्लेन कर दिया या उसको कॉपी पेन में लिख के दे दिया तो इट विल नॉट आस्क अनदर और नो मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके
another question regarding the exception handling is what is the parent class of an exception? So throwable is an parent class of an exception. Now what is the parent class of throwable? So object will be the parent class of an throwable. Now go with the hierarchy. Yeah, API hierarchy. This is the thing here. Object say throwable aya hai, throwable having a two things, error and exception. Error is nothing but the different thing jo hame handle karna hai. Exception handle hote hai, error handle nahi hote hai. Theek hai, error ko hum log handle nahi kar sakte. Check and unchecked. Check matlab jo compile time mein hum log handle kar sakte hai. Okay, जो जिस चीजों को हम लोग कंपाइल टाइम में हैंडल कर सकते हैं दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन. ओके, तो एक्सेप्शन पहले हम लोग एक्सेप्शन के ऊपर में देख लेते हैं. एक्सेप्शन इज हैविंग अ रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन. इन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, फाइल आउट ऑफ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सॉकेट एक्सेप्शन. Then index array out of index exceptions are, these are the exceptions. Okay, then error having a out of memory error, stack overflow error, linkage error. Out of memory error means मैंने जो memory define की है JVM में अगर उससे ज़्यादा बड़ा program है उससे ज़्यादा values चली जाती है then it is given out of memory error. ये Java के program में जब हम लोग programming कर रहे हैं और वहाँ पे stack की memory खत्म हो जाती है then it will giving a stack overflow error. Yeah, exception name and reasons. Yes, it's just according to the name of their exception ki wo kyun ho raha hai karke. So IO will give you an input output exception. To input output mein aap kya check kar rahe ho, file de rahe ho ya socket de rahe ho. Socket is nothing but a network mein jab hum log programming karte hain then it will give an socket exception. Okay, index out of bound is nothing but a memory related exception. So we can handle this checked exception or we can handle this null pointer exception also. Okay, arithmetic of exception kar rahe to wahan pe null pointer exception bhi aata hai. Main ya fir values nahi define kiya koi value variable ko it will give an null pointer exception. Koi object mein values nahi hai usko call karke use kar raha hu main to wo null pointer exception dega. Blur. This is what a checked and unchecked exception. Just give me a minute.